में राशन बेचने पर होगा राशन कार्ड रद्द। लॉकडाउन के चलते सरकार द्वारा राशन दुकानों से राशन कार्ड धारकों को राशन बांटअप किया जा रहा है। अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को 35 किलो राशन दिया जा रहा है और अन्य राशन कार्ड धारकों को राशन 5 किलो प्रति व्यक्ति दिया जा रहा है। यह घटना भंडारा जिले के लाखनी तहसील के अंतर्गत आने वाले पिंपर गांव सड़क की है। वहां पर राशन कार्ड धारकों से नागसेन हरिभाव रामटे के उम्र 39 वर्ष इन्होंने अनाज खरीदने का मामला सामने आया। प्राप्त जानकारी के अनुसार नागसेन रामटे के रहवासी पिंपर गांव सड़क इस व्यक्ति ने करीबन 60 से 70 कार्ड धारकों से अनाज खरीदी कर 11 क्विंटल राशन घर पर जमा किया था। गणेश राइस मिल साकोली यहां अनाज बेचने का बताया। पुलिस को मिली गुप्त जानकारी के अनुसार यह पता चला कि राशन कार्ड धारकों से माल खरीदकर बड़े पैमाने पर गणेश राइस मिल साकोली यहां बेचा जाता है। धान की जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग नागसेन रामटेके के घर पहुंचकर स्थानीय तहसीलदार मलिक वीरानी को इसकी जानकारी दी। घटनास्थल पर पहुंच तहसीलदार ने पंचनामा कर 1106 किलो माल जब्त किया। तथा आरोपी नागसेन रामटेके को पुलिस ने हिरासत में लिया। तहसीलदार से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि 70 राशन कार्ड धारकों ने इस आरोपी को माल 18 रुपए दर के हिसाब से बेचा है तथा उन राशन धारकों को पुष्टि होने पर या अन्य कोई राशन धारक के माल बेचने की घटना पर उस राशन धारक का राशन कार्ड रद्द किया जाएगा। सारी घटना की जानकारी मिलते ही बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की टीम ने घटनास्थल पर पहुंच सारा मामला कैमरे में कैद कर लिया। राशन धारक ने राशन बेचने पर होगा राशन कार्ड रद्द। ग्यारह क्विंटल अनाज पुलिस व तहसीलदार ने पकड़ा। लॉकडाउन के चलते चल रही है काला बाजारी। जरूरतमंद को नहीं मिल रहा राशन व राशन कार्ड धारक बेच रहे हैं राशन। आरोपी नागसेन रामटे के 188 धारा के तहत पुलिस की हिरासत में। क्या राइस मिल पर होगी कार्यवाही? बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की रोजाना खबरों के लिए यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और गूगल प्ले स्टोर से बीएस क्राइम इंडिया न्यूज ऐप को डाउनलोड कर रोजाना खबरों के लिए हमसे जुड़े रहे। Thank you.